DOL और स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहले DOL और स्टार डेल्टा की बात की जाए तो जो हमारा स्टार और डेल्टा स्टार्टर होता है, यहाँ पे हम 3 कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं, एक ओवरलोड रिले यूज होती है, एक टाइमर यूज किया जाता है, इसके अलावा MCB और NONC भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। जबकि जो हमारा DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, वहाँ पे हम सिर्फ एक कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं और एक ओवरलोड रिले का ही यूज करते हैं। इसके अलावा हमारी NCB और NONC पॉइंट यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो मेन यहाँ पे हमारा जो टाइमर होता है वो और 2 कॉन्टैक्टर, ये हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक्स्ट्रा लगे होते हैं। अगले डिफरेंस की बात की जाए तो जो हमारा स्टार्टिंग करंट होता है वो इन दोनों स्टार्टर में अलग अलग होता है। जो हमारा DOL स्टार्टर होता है, यहाँ पे हमारा जो लोड यानी जो हमारी मोटर है वो अपने नॉर्मल या FLC का 5 से 8 गुना तक ज्यादा करंट कंज्यूम करती है। जैसे मान लीजिए एक हमारी मोटर है जिसका FLC यानी फुल लोड करंट 5 एम्पियर है, तो वो स्टार्टिंग में 25 एम्पियर से लेके 40 एम्पियर तक कंज्यूम कर सकती है। जबकि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, वहाँ पे हमारा लगभग 50% के आसपास होता है, या फिर यूं कहें कि हम जो हमारा यहाँ पे स्टार डेल्टा में फुल लोड स्टार्टिंग करंट होता है वो 1/√3 की वैल्यू का होता है। अब यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1.732 होती है। तो मान लीजिए जो हमारा फुल लोड करंट यहाँ पे है वो 5 एम्पियर है, तो उस 5 एम्पियर को हम 1.732 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा उतना करंट हमारा DOL स्टार्टर में शुरुआत में हमारी मोटर कंज्यूम करेगी। अगला डिफरेंस होता है टॉर्क का। जो हमारा DOL स्टार्टर होता है, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में हाई टॉर्क यानी कि 100% टॉर्क देखने को मिलता है। जबकि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, वहाँ पे हमें स्टार्टिंग में 33% या फिर यूं कहें कि 1/3 टॉर्क ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो हमारा DOL स्टार्टर होता है, वहाँ पे हमें हाई टॉर्क देखने को मिलता है, और जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वहाँ पे हमें लो टॉर्क देखने को मिलता है। अगले डिफरेंस पे चलें तो अगला डिफरेंस होता है इनकी कॉस्ट का। यहाँ पे हम इनके कॉस्ट की बात करें तो जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, यानी इसकी कॉस्ट हाई होती है। जबकि जो हमारा DOL स्टार्टर होता है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल की ढेर सारी जानकारी वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अगला जो डिफरेंस होता है वो इनकी वायरिंग का होता है, यानी इसकी जो वायरिंग होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग की। तो जो हमारा DOL स्टार्टर होता है, इसकी जो वायरिंग होती है वो बहुत ही आसान है, बड़ी इजी होती है, कोई भी इसको बड़ी आसानी से समझ सकता है। जबकि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, इसकी जो वायरिंग होती है, खास तौर पे इसकी जो कंट्रोलिंग वायरिंग होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है। इसको समझने के लिए हमें बहुत ही ध्यान लगाना पड़ता है। अगले डिफरेंस की बात की जाए तो अगला डिफरेंस इसका यूज का होता है, कि हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो जो हमारा DOL स्टार्टर होता है उसको हम नॉर्मली 5 किलोवाट या फिर 7.5 HP तक की जो मोटरें होती हैं वहाँ पे यूज करते हैं, या फिर हमें जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है वहाँ पे हम DOL स्टार्टर का यूज करते हैं। जबकि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसको हम 5 किलोवाट से ऊपर या 7.5 HP से ऊपर की जो मोटरें हैं वहाँ पे हम यूज करते हैं। इसके अलावा जहाँ हमें स्टार्टिंग में लो टॉर्क चाहिए है वहाँ पे भी हम इस स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। अगला डिफरेंस होता है इनकी सेफ्टी को लेके। जो हमारा DOL स्टार्टर होता है उसमें हमें लो सेफ्टी यानी कम सेफ्टियाँ देखने को मिलती हैं, जबकि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वहाँ पे हमें अलग अलग तरह की कई सेफ्टियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं, या फिर यूं कहें कि हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर में हाई सेफ्टी देखने को मिलती है। अगला डिफरेंस है इनकी जो मेंटेनेंस है वो। जो हमारा DOL स्टार्टर होता है उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो बहुत ही कम मेंटेनेंस हमें करने की जरूरत पड़ती है, जबकि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसकी हमें जो मेंटेनेंस करने की जरूरत होती है वो बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है, यानी इसका हमें बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होता है। अगले डिफरेंस की बात करें तो अगला डिफरेंस इनकी एफिशिएंसी का बनता है। तो जो हमारा DOL स्टार्टर होता है, इसकी जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो इसकी एफिशिएंसी लो होती है, इसकी वजह से हमें लो पावर फैक्टर का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इसमें जो हमारी मोटर होती है वो हीट भी बहुत ही ज्यादा होती है, जबकि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे हम शुरुआत में करंट को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे लो स्टार्टिंग करंट होता है जिसके कारण हमें इसकी हाई एफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें हमें लो पावर फैक्टर का सॉल्यूशन भी मिलता है, यहाँ पे लो पावर फैक्टर की समस्या हमें कम देखने को मिलती है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।